हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मिक्स रिदम से आप नया ट्रैक कैसे बना सकते हैं, उस पे म्यूजिक आपको कहाँ से लेकर के कहाँ तक देना होता है, सिंगर को कहाँ से गवाना होता है, पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस गाने का जो ट्रैक है, मिक्स रिदम का ट्रैक है, इसका पहले टेम्पो यहाँ पर सेट करते हैं, यानी कि BPM सेट कर देते हैं। तो 160 टेम्पो है इसका, तो 160 कर दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको सुनाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि आपको इसको कैसे न्यू ट्रैक बनाना है मिक्स रिदम से, अगर आपके पास मिक्स रिदम है तो। तो चले सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे इसका म्यूजिक कंपोज करेंगे, यानी कि म्यूजिक कहां से कहां तक देना है, पूरी जानकारी देंगे आपको। तो दोस्तों, ये हमारा मिक्स रिदम था। अगर आपके पास मिक्स रिदम है तो दोस्तों, मिक्स रिदम से आप कई सारे ट्रैक बना सकते हैं, चाहे हिंदी का हो, भोजपुरी का हो, किसी भी तरह का हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, जितना भी फालतू का पार्ट है इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, इसको मैंने रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इसको कहाँ से आपको कट करना है, चाहे शुरू से आप इसको कर सकते हैं, चाहे आप दो यानी कि दूसरे बीट से आप इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे इसमें म्यूजिक कहाँ से कहाँ तक डालना है। तो दोस्तों, मान लीजिए आप जो फर्स्ट म्यूजिक यानी कि इंट्रो जो म्यूजिक बजाएंगे, वो बेंजो से एंट्री होगी, यानी कि बेंजो से शुरुआत होगी। तो आपको चार पैटर्न का आपको दोस्तों म्यूजिक देना होगा। सबसे पहले ध्यान रहे दोस्तों, चार पैटर्न का आपको म्यूजिक अलग से देना होगा इंट्रो के लिए, यानी कि फर्स्ट मुखड़ा गाएगा उसके पहले से ही। तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो म्यूजिक होता है यहाँ पे चल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों रिदम तैयार होता है। चाहे दोस्तों आप इसको, अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ से आप भी देख सकते हैं, इस तरह से एक से लेकर के चार तक, यानी कि हमारा चार पैटर्न तक इसका मैंने म्यूजिक लगाया हूँ बेंजो का। और फिर दोस्तों नेक्स्ट आपको अगर म्यूजिक चलाना हो, जैसे कि मान लीजिए अगर आप इस पर लीड्स बजाना चाहते हैं या फिर कोई भी पियानो है, कोई भी चीज़ बजाना चाहते हैं तो बजा सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ पे चार पैटर्न का और भी दोस्तों लीड्स का यहाँ पे पैटर्न बना दूंगा, जिससे दोस्तों आपको समझ में आ सके आसानी से। तो चार पैटर्न का बेंजो हो गया है, चार पैटर्न का यहाँ पे लीड्स बज गया है। फिर यहाँ पे दोस्तों दोबारा से हम बेंजो की ही शुरुआत करेंगे आठवें पैटर्न से, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा, यहाँ से देख सकते हैं 12 पैटर्न का यहाँ पर म्यूजिक बन चुका है, ठीक है, इस तरह से। बारह पैटर्न म्यूजिक चलने के बाद में हमें दोस्तों सिंगर से गवाना होता है। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, हमें यहाँ से ब्रेक मिल रहा है कट, तो इसको दोस्तों यहाँ पे हम कट करेंगे, और इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे और इस पार्ट को हम कर देंगे डिलीट। अब इसको हम यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है, तब ये बिल्कुल परफेक्ट लगेगा, यानी कि जहाँ पर म्यूजिक ख़त्म होगा फिर सिंगर यहाँ से गाना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक मोनो का ट्रैक भी बना रहा हूँ साथ में, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो मान लीजिए यहाँ पर सिंगर यानी कि म्यूजिक चलने के बाद में, इंट्रा म्यूजिक चलने के बाद में सिंगर फर्स्ट मुखड़ा यहाँ पे गाना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे बेंजो बजेगा, लीड्स बजेगा, फिर बेंजो बजेगा, उसके बाद में सिंगर गाना स्टार्ट करेगा। इस बीट पे आपका सिंगर यहाँ से गाना चालू कर देगा। तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ से सिंगर आपका गाना चालू कर देता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपका जो गाना है किस कितने पैटर्न तक आपका गाना लिखा गया है, चार पैटर्न का या छः पैटर्न का। अगर आपका गाना चार पैटर्न का लिखा गया है तो यहाँ पे चार पैटर्न तक ही आपको यहाँ से देखना है। तो ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे, इसको डिलीट, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, ये पार्ट हम कट कर देंगे, चार पैटर्न का रखेंगे जिससे सिंगर चार पैटर्न तक गाए, उसके बाद में ब्रेक आए, और ब्रेक के बाद दोस्तों यहाँ पे म्यूजिक लगाना चाहते हैं म्यूजिक दे सकते हैं, उसके बाद में फिर से सिंगर गाना स्टार्ट कर देगा। तो गाने कई तरीके से लिखे जाते हैं, सिंगर गाता है, फिर दोस्तों ओकल उसका चलता है, यानी कि डबल ओकल कर देते हैं ओकल कटिंग करके। तो आप अपने अनुसार इसको रिदम को घटा बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और यहाँ पे देखने के लिए मिली होगी, तीन पैटर्न का आपका सिंगर गाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं तीन पैटर्न का यहाँ सिंगर गाएगा। फिर दोस्तों ये वाला इफेक्ट चलता है जो आपके कोई भी काम के लायक नहीं है, तो इसको यहाँ से हम कट करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे, इसको यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है, हमारा यहाँ से ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेक के बाद में सिंगर फिर से यहाँ पे गाना स्टार्ट कर देता है। फिर दोस्तों यहाँ पे सिंगर आपका सिंगर गाना बंद कर देगा गाने के लिए, यानी कि फर्स्ट मुखड़ा यहाँ पे सिंगर का यहाँ पे हो चुका है। अब यहां से दोस्तों हमें कट देखना है कि कट यहां पे कौन सा है, लास्ट में हमें इसको रखना है। तो इसको यहां से लेकर के यहां तक हम कट कर लेंगे और इसको यहां पे लगा देंगे। सिंगर जब अपना गाना ख़त्म करता है, एंड करता है, तो यहां से हमारा ब्रेक लास्ट में चलता है। फिर से दोस्तों यहां पे म्यूजिक आपका स्टार्ट हो जाता है 12 पैटर्न का। तो ये इंट्रा म्यूजिक था और आपका फर्स्ट यहां पे मुखड़ा ख़त्म हो चुका है, सिंगर गा लिया है। फिर दोस्तों यहां पे जो जो हमारा दूसरा जो अंतरा के पहले जो म्यूजिक आता है वो दोस्तों यहाँ पर लग चुका है हमारा। और अब हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी इतनी ही ज़रूरत है। इसको यहाँ से कट करेंगे और फिर यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, फालतू का पार्ट हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि सेम ही जो इसमें बजा है बिल्कुल वही आगे का पैटर्न है। तो हमें इसको पैटर्न स्टेप बाय स्टेप से रखना है, यानी कि हमारा फर्स्ट मुखड़ा यहाँ पे गा लिया है सिंगर, तो और उसके बाद में फिर म्यूजिक चला है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेंगे, यानी कि जो हमारा सिंगर गाया हुआ है इसको, यानी कि जो ट्रैक है ट्रैक को यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। और इसको भी दोस्तों यहाँ पे हम इस तरह से डुप्लीकेट फाइल बना लेंगे, ये हमारा हो चुका है। फिर इसको भी दोस्तों क्या करेंगे, जो म्यूजिक के साथ में पैटर्न बजता है, यानी कि आपका फर्स्ट मुखड़ा यहाँ पे हो चुका है, फिर अंतरा भी आपका आ चुका है आप देख सकते हैं, और इसको भी यहाँ पे हमें रख देना है। तो कंट्रोल भी करेंगे आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं इंट्रा के बाद में मुखड़ा चालू हुआ, मुखड़ा के बाद में अंतरे के पहले वाला म्यूजिक चालू हुआ है इसमें, उसके बाद में दूसरा यहाँ पे अंतरा का म्यूजिक यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे लास्ट हमें लगाना है, देख सकते हैं लास्ट यहाँ पे अंतरा, यानी कि तीन अंतरे का दोस्तों ने दो अंतरों का यहाँ पे दोस्तों गाना आपका है। फर्स्ट मुखड़ा चलता है, फिर दो यहाँ पे अंतरा है आपका। तो इस तरह से यहाँ पे आप म्यूजिक लगा सकते हैं, यानी कि जिस हिसाब से आपका सॉन्ग लिखा गया है उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका फर्स्ट मुखड़ा मतलब कि अंतरा से पहले जो अंतरा सिंगर गाता है उसके पहले का म्यूजिक है, फिर अंतरा यहाँ पे गाता है सिंगर, ए अंतरा हो गया फर्स्ट अंतरा। उसके बाद में दोस्तों फिर यहाँ पे म्यूजिक आपका चलता है, देख सकते हैं 12 पैटर्न का ही म्यूजिक चलेगा यहाँ पे। उसके बाद में 12 पैटर्न का म्यूजिक चलने के बाद में फिर यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा जो अंतरा होगा वो सिंगर यहाँ पे गाना स्टार्ट कर देगा, फिर आपका गाना यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका तीन अंतरे का दोस्तों गाना है तो और भी यहाँ पे दोस्तों अलग से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो जो मिक्स रिदम से हम जो नया ट्रैक बनाते हैं हम सेम इसी से बनाते हैं, इसी पैटर्न से बनाते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें मान लीजिए आपको सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब इसमें कॉर्ड्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नेक्सस प्लगइन से ले लिया हूँ। तो जो भी गाने का स्केल होगा वो आप दोस्तों यहाँ से इसका कॉर्ड्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कॉर्ड्स कैसे लगाते हैं मैंने कई सारे वीडियो में बताया हूँ, आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से आप कॉर्ड्स लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद आया कॉर्ड्स, गिटार का भी कॉर्ड्स लगा सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से आप मिक्स रिदम से नया ट्रैक बना सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और 15-20 मिनट के अंदर जो आपका रिदम होगा, ट्रैक होगा, वो बन के दोस्तों यहाँ पे तैयार हो जाएगा। फिर आप सिंगर से गवा सकते हैं, उसके बाद में आप मेलोडी करवा सकते हैं, या फिर मेलोडी पहले करवा सकते हैं उसके बाद में सिंगर से आप गवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं नई वीडियो लेकर आऊँ किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।